मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अवैध खनन के मामले में ईडी की टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए हरियाणा के सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। पवार पर यमुनानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन करवाने का आरोप है। ईडी सुरेंद्र को रिमांड के लिए अंबाला के स्पेशल कोर्ट में ले जा रही है। मामला यमुनानगर क्षेत्र में सिंडिकेट द्वारा लगभग 400-500 करोड़ रुपए के अवैध खनन से संबंधित है। हरियाणा पुलिस द्वारा अवैध खनन के संबंध में पवार और अन्य के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद पिछले साल ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। इस साल जनवरी में ईडी द्वारा आईएनएलडी से पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह, सुरेंद्र पवार और अन्य सहयोगियों के यहां 20 जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी इस मामले में पहले दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल ईडी ने इस साल जनवरी में फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, चंडीगढ़ और मोहाली में 20 परिसरों में छापेमारी की थी। ये छापेमारी यमुनानगर और हरियाणा के आसपास के जिलों में रेत पत्थरों और बजरी के बड़े पैमाने पर अवैध खनन से जुड़े एक मामले से संबंधित था। इस अवैध खनन के काम में कथित तौर पर दिलबाग सिंह और सुरेंद्र पवार और उनके सहयोगी शामिल थे। ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा कई एफआईआर और अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी थी। जांच में यमुनानगर जिले में विभिन्न स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों और स्टोन क्रेशर द्वारा खनिजों की अवैध खनन और बिक्री का पता चला। इसमें उचित ई रवाना बिल न बनाने या पहचान से बचने के लिए फेक दस्तावेज बनाने जैसी चोरी की रणनीति शामिल थी। तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने 5.31 करोड़ रुपए नगद, 1.90 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, 2 वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, निवेश से संबंधित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। इसके अलावा परिसर से अवैध हथियार, गोला बारूद और अतिरिक्त शराब बरामद की गई। ईडी ने जनवरी में दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था और अब सोनीपत विधायक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जिस प्रकार से ईडी लगातार छापेमारियों पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही, ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।